राधे राधे दोस्तों, आज हमारे टूर का तीसरा दिन, सुबह सुबह 5:15 बजे हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी, देखिए मेरा गेटअप, और आप सब बने रहे मेरे ब्लॉग में। आप सबको करवाती हूँ बांके बिहारी के दर्शन, और बैक कैमरा से दिखाती हूँ अपने प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनें। देखो कितनी खूबसूरत तरीके से सब लोग रेडी हो, राधे राधे। ये देखो जय श्री राधे, प्यारी सी हमारी बहुत सुलझी हुई टीम। ये देखो कितनी अच्छी तरह से रेडी होके अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी। आप भी चलिए हमारे साथ साथ, चलिए दोस्तों। सुबह सुबह पहुंच चुके हैं मंगला आरती में श्री राधा वल्लभ मंदिर में। ये देखिए इतना सुंदर नजारा मेरी लाडली का। अभी आरती होने वाली है। वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं निधिवन में। हम लोगों ने कर लिए बांके बिहारी के दर्शन, लेकिन बिल्कुल भी फोन श्री राधे, फोन निकालने का बिल्कुल टाइम नहीं। इतना रश, इतने भक्त। शाम 8 बजे बंद हो जाता है, प्रिया मोर तोता बंदर आदमी कोई रुकता नहीं। तो इसमें रुक गए भगवान देखने के लिए, समय मरे मिले उनकी समाधि बन गई है। अब इसमें घूमने जाओगे, 6 जगह अलग अलग दर्शन करोगे। जाते में कोई पेड़ पत्ता डाल तोड़ना नहीं, गोपीय तोड़ने से अपराध लगता है। रात में जंगल से बंसी पायल की आवाज आती है, सुन करके सेठ भक्तों ने मकान खरीद लिया अगल बगल के। जंगला खिड़की बनाए भगवान को झांकते देखा, झूठा दर्शन करना। 5,500 मंदिर है वृंदावन में, 6 महीना भी रुकोगे समय हो पाओगे। सब जगह भोग पूजा सेवा दान करोगे, हजारों खत्म हो जाएंगे मंदिर नहीं। और यहाँ 1,00,000 भी देने से गरीबों में नहीं जाएगा, ना ब्रजवासी से होगा। इस जंगल से संगीत सम्राट स्वामी हरदास बाबा ने 550 साल पहले भजन करके मूर्ति निकाली। बलराम जी की जिन्हें बोलते हैं वृंदावन बिहारी, जो ब्रज के राजा थे। उस मंदिर के बाद आपको नंद भवन दर्शन कराऊंगा, वहीं से मक्खन मिश्री का भोग मिलेगा खाने के लिए, घर ले जाने के लिए, और किसी मंदिर से नहीं मिलता है। निधिवन की लकड़ियां जो टूट कर गिर जाती है वहीं चली जाती है, वहीं से तुलसी की मनोकामना की मोहन माला मिलती है। बोलो बिहारी जी महाराज की जय, हाथ कर लो और ताली मार के हंस लो। और देखो एक यार राधा रानी का चमत्कार है कि जब भी दोस्तों निधिवन घूम रहे हैं, लता पताओ में निधिवन की देखे सुंदर सुंदर लता ये लो। रेनू आ जा, रेनू आ जा, भैया प्रार्थना करी जल पिलाओ। तो अपनी बंसी से कुआ खोद करके जल पिलाया है। कुआ के नीचे पुराना कुआ बन गया, उससे पहले कच्चा था। सावन भादों में यहाँ तक बढ़ जाता है, सूख जाता तब कुएं का दर्शन होता है। बोलो राधा रानी की जय। पुजारी सामान उठाकर दिखाता है, पान चवा दातुन चवा लड्डू खाया माखन की भोग लगा, श्रृंगार का सामान बिखरा मिलता है। तो दर्शन करना है समय 5:30 बजे मंगला आरती करो, सबके सामने खुलेगा। पुजारी सामान उठाकर जो औरतें जानती है वो श्रृंगार चढ़ा के ले जाती है, जो नहीं जानती वो 100 रुपए देते वहाँ से मिलते। मक्खन मिश्री का प्रसाद मक्खन मिश्री मिलेगा, यहाँ केवल श्रृंगार। में रहे है, दो है इनको, बारिश का भी पानी लगता है, दोनों टाइम झाड़ू लगती है, कचरा बाहर नहीं जाता। कामना पूरी करी, शंकर जी की पूरी करी, आज ही के दिन नंद भवन में भोग मनोकामना की माला मिले, वहाँ कामना करके जाए बिहारी जी 11 महीना में कामना पूरी करे। बोलो राज बिहारी लाल की जय। चलो राज सचाओ, राधे राधे।
किया ना, ये माखन भोग किया है, इसे अन्नदान किया। सिराधी सिराधी ये है इस्कॉन मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप सुंदर सी राधा श्याम की छवि, ये देखिए इस्कॉन मंदिर का नजारा, खूबसूरत खूबसूरत सा। सूरत नजारे के साथ मेरी लाडली सरकार तुम्हारी जय जयकार, सुनो मेरी लाडली सरकार। इस्कॉन मंदिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। जाए सच कहती हूँ राधे जो हाँ पीछे ये है जीवन का शुरुआत। ये देखिए ये गर्भ में बच्चा ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये देखिए फिर इस तरीके से बन गए, अंत में फिर ऐसा हो गया, फिर ये हो गई हालत। 2 बजे देखिए गुरु जी के दर्शन के लिए लोग खड़े हुए हैं लंबी लंबी कतारों में। देखिए आप सब, यहाँ गुरु पूर्णिमा है और गुरु जी का इंतजार हो रहा है। दोस्तों रात के 2 बजे हम सब गुरु जी के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। ये देखिए जय जय श्री राधे। रात को ये भीड़ है गुरुदेव के दर्शन के लिए, कहाँ से कहाँ तक लाइन लगी हुई है। ये एक तरफ की रो है देखिए। ये लो जी महाराज जी, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
Yeah.